सुनिए जी, कहाँ जा रहे हैं? सुनिए तो, फिलहाल जो है अपना मशीन में हम लोग फ्यूल ले लिए हैं। प्रखंड दुर्ग के जिला गढ़वा झारखंड में बाकी ये दोनों भी देखिए आगे की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। मैं भी जो है आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। आपके कानों तक सुनाई दे रहा है फिर ना, ये मेरे को नहीं पता। भाई इधर का आप लोग पहाड़ी देख सकते हैं यार, काफी ज्यादा मतलब डेंजर है, टूटा। इस साइड में आप लोग देख सकते हैं काफी ज्यादा चोक नुकीला नुकीला। चलिए मैं इसको जो है लेके चलता हूँ और वाटरफॉल में डाल के देखेंगे भाई कैसा मतलब महसूस होता है। बाकी इस साइड में आप लोग देख सकते हैं मछली मारने का भी तैयारी कर रहे हैं। अंकल जी यहाँ पे मछली रहता है? तो मैं तो यार मतलब चल ही नहीं पा रहा हूँ, काफी ज्यादा परेशानी का सामना यहाँ पे करना पड़। यहाँ से ड्राइविंग लाइसेंस जो है मेरे को मिल चुका है, तो चलिए जो है लाइसेंस अपने हाथों में लेते हुए मैं यहाँ पे बैठता हूँ। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो यार फिलहाल मी एंड नीतीश ब्रो और एक और ब्रो जो है निकल चुके हैं घूमने के लिए। तो कहाँ पे घूमने जाने वाले हैं ये नहीं पता भाई। यहाँ पे हम लोग इंतजार कर रहे हैं वो ब्रो का, जो ब्रो मतलब हम लोग को लेके चले। ब्रो का इंतजार हम लोग कर ही रहे थे और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फाइनली वो ब्रो भी आ चुका है। तो यही ब्रो के साथ जो है हम लोग जाने वाले हैं। फिलहाल जो है अपना मशीन में हम लोग फ्यूल ले लिए हैं, जिसे पेट्रोल लोग बोलते हैं। पेट्रोल लेने के बाद जो है हम लोग निकल चुके हैं। कहाँ पे निकल गए जी? सुकलदरी वाटरफॉल। तो चलते हैं। फाइनली जो है हम लोग डंडई में पहुंच चुके हैं भाई, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। ये जो है पनघटवा देव, आते समय जो इसको कवर करके दिखाएंगे। फिलहाल तो हम लोग चल रहे हैं वाटरफॉल, जहाँ पे वाटर जो फॉल करते हुए नजर आपको आएगा। गति सीमा में है और हम 20 मिनट में पहुंच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन पर। कुछ ही क्षणों में हम लोग जो है पहुंच ही जाएंगे अपने डेस्टिनेशन पे। तब तक भी आप व्यू एंजॉय कीजिए। आगे क्या है? आगे आप लोग देखिए भाई। फाइनली जो है हम लोग वाटरफॉल के पास पहुंच चुके हैं भाई। इधर आप लोग देख सकते हैं इसका द्वार यहां पे आपको देखने मिल जाता है। तो चलिए जो है नीचे हम लोग चलते हैं और देखते हैं इस वाटरफॉल का। यहां पे देखिए सुकलदरी वाटरफॉल प्रखंड दुर्ग के जिला गढ़वा झारखंड में मौजूद है। काफी डेंजर लग रहा है, कैसा लग रहा है सर आपको? काफी व्यू अच्छा है, अब इसका ज्यादा अच्छा से देखने के लिए नीचे जाना पड़ेगा। और अभी हम लोग जो चल के चलते हैं और नीचे और पूरा मतलब ज्यादा अच्छा से आपको दिखाते हैं। तो गाइस यार यहाँ पे तो मतलब क्या ही बताया भाई, पानी का आवाज मतलब मेरे कानों तक यहाँ पे सुनाई दे रहा है। जितना भी जो है पहाड़ी से पानी आता है ऊपर से इस साइड से, वो सारा का सारा पानी जो है यही वाला नदी में जाता है। दोनों ब्रो जो है यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं, दोनों जो है आपस में वार्तालाप कर रहे हैं कि कैसा कैसा यहाँ पे नज़ारा आपको देखने मिल रहा है। मुझे तो भाई यार काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है भाई, मतलब क्या ही बताएं, ये सीन को मैं इंजॉय करना चाह रहा था और फाइनली यार पहुँच ही गया। इधर का आप लोग पहाड़ी देख सकते हैं यार, काफ़ी ज़्यादा मतलब डेंजर है, टूटा फूटा लग रहा है।
यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है संतु, संतु किसी का नाम लिखा हुआ है। इस साइड में आप लोग देख सकते हैं काफी ज्यादा चोक चोक सॉरी नुकीला नुकीला पत्थर देखने मिल जाता है, तो काफी ज्यादा नुकीला है भाई। आप लोग इमेजिन करिए कि अगर इसमें जो है पूरा का पूरा यार पानी भर जाता होगा तो कितना मतलब यार डेंजर लगता होगा, कितना खतरनाक लगता होगा भाई, सोच के देखिए। बाकी यहाँ से अगर आप लोग ऊपर का व्यू देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, लेकिन मैं जो है आपको वाटरफॉल का व्यू दिखाना चाहता हूँ। और गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं भाई काफी ज्यादा चिकना चिकना बालू यहाँ पे आपको देखने मिलता है। ओ माय गॉड काफी यार मतलब भाई मतलब काफी ज्यादा पतला है यार बालू, काफी ज्यादा पतला। चलिए मैं इसको जो है लेके चलता हूँ और वाटरफॉल में डाल के देखेंगे भाई कैसा मतलब महसूस होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं जो इसको ले लिया हूँ और चलिए इसमें डाल के जो थोड़ा फील करते हैं कैसा लगता है। तो 3, 2, 1 लेट्स गो। ओ माय गॉड यार काफी ज्यादा ठंडा पानी यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है इस वाटरफॉल का। चलिए वो दोनों लोग से मिलाते हैं और साथ ही वाटरफॉल भी दिखाते हैं, बिकॉज जो मेन फॉल है उसको ही मतलब फॉल लोग बोलते हैं। फाइनली जो है हम लोग वाटरफॉल के पास भी पहुंच ही चुके हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं भाई कैसा लग रहा है आप दोनों को ब्रो? ये मैं पहली बार देख रहा हूँ जो कि काफी अच्छा है, मतलब काफी गहरा भी है, काफी गहरा है, काफी डरावना। अच्छा मतलब आप यहाँ पे पहली बार आए हैं? जी पहली बार आया हूँ मैं। अच्छा पहला एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? काफी अच्छा रहा, मैं अभी इसको आगे से देखूंगा कितना गहरा है। अच्छा अच्छा चलिए गहराई चलिए नापते हैं, देखते हैं भाई इसका गहराई जो है कितना है इस वाटरफॉल का, उसके बाद ही आगे कुछ बताया जा सकेगा। जब इसमें पानी आता है तो काफी जो है खतरनाक तरीका से उछाल मार मार के जो है पानी आगे की ओर बढ़ता है। बाकी यार पत्थर मतलब इतना खतरनाक वाला नुकीला नुकीला पत्थर आपको देखने मिल रहा है, अगर आप कभी भी आएंगे तो जूता जरूर पहन के आइएगा, अदरवाइज जाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा उस साइड से हम लोग को घूर के जाना पड़ेगा यहाँ देखने के लिए। तो चलिए जो है हम लोग घूरते हैं भाई, बिकॉज घूरने के लिए ही यहाँ पे आए हुए हैं। ओहो इस साइड में आप लोग देख सकते हैं ये लोग भी यहाँ पे इस वाटरफॉल का मजा ले रहे हैं। इधर चलो रियल गॉड। तो आइए मैं आपको जो इस साइड में लेके चलता हूँ भाई, काफी ज्यादा नुकीला पत्थर यहाँ पे आपको देखने मिलता है भाई, काफी ज्यादा नुकीला। इस साइड से नजारा कुछ इस प्रकार से आपको देखने मिलता है। ओ माय गॉड तो बताइए सर इस वाटरफॉल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये काफी अच्छा वाटरफॉल है। अच्छा और काफी बड़ा भी है। अच्छा अच्छा और नीचे देखने से लगता है काफी गहरा, काफी गहरा भी है। तो इसका गहराई जो हम लोग यहीं से नाप लिए भाई, काफी मतलब डेंजर लग रहा है यार, काफी डेंजर। तो गाइस यार यहाँ का था गहराई मैंने आपको नाप के बता दिया, अभी और आगे चलते हैं हम लोग और आगे से गहराई इसका नापते हैं भाई। भाई काफी मतलब यार खतरनाक लग रहा है यार इसके बारे में, मतलब क्या ही बताऊँ मैं आपको, खुद दिखाई दे रहा है। इधर आप लोग देखिए जो वाटर वहाँ से फॉल हो रहा है वो फॉल जो है मतलब वाटर जो है आगे की ओर यहाँ पे देखिए आता जा रहा है। इस साइड में तो यार और ज्यादा डेंजर लग रहा है यार, आगे मैं आपको चल के दिखाता हूँ। छोटी झरना सर वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा छोटी झरना, जिसे हम लोग मिनी झरना भी बोल सकते हैं। जी बिल्कुल। तो सर मिनी झरना के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? मिनी झरना काफी खूबसूरत है। अच्छा। लेकिन उसका लुप्त थोड़ा दूर से ही उठाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ जाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, रास्ता नहीं दिख रहा है, कोई भी मतलब सुविधा दिख नहीं रहा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि इसमें पत्थर जो है फेंक के देखेंगे कैसा मतलब महसूस हो रहा है, कैसा मतलब आवाज कर रहा है। तो ये ब्रो जो है वहाँ पे पत्थर लेने गया हुआ है, तो देखते हैं। पत्थर तो अभी यहाँ पे दिख बहुत ज़्यादा रहा है, लेकिन कौन सा पत्थर लिया जाए। मैं जो है ये वाला पत्थर को फेंकने वाला हूँ। अच्छा पहले छोटा ये गया मेरा। चूक। नाउ दिस नाउ योर टर्न। ओके तो आप लोग जो है इंतजार कर रहे हैं बड़ा वाला पत्थर का, तो फाइनली जो है हम लोग इसको देखते हैं भाई। और फाइनली जो है ये पत्थर यहाँ पे। ओ माय गॉड मैंने कहा कि उसकी जो गहराई है वहाँ पर। अच्छा वो जो दिख रहा है ना, ठीक है दिख रहा है उस जगह काफी गहराई है जो कि नापी गई थी। अच्छा स्पष्ट पता नहीं चला है कितनी गहराई है। जो गहराई है वो मतलब नापना नामुमकिन है, क्या ही बता सकते हैं यार, काफी ज्यादा ही गहरा, काफी ज्यादा गहराई है वो जो छोड़िए। बोलिए वो जो खाटी बिनने के लिए जो रहता है ना, खटिया बिनने के लिए जो बाद कहते हैं है, नसी है, हाँ वही वही ठीक है। तो उसी से नापा गया था खोलकर। अच्छा ऐसा ही कुछ 6-7 बाद ही अंदर चल गया था। अच्छा गहराई का कोई पता नहीं। अंकल जी यहाँ पे मछली रहता है? अच्छा मतलब आप लोग जो है मतलब हमेशा यहाँ पे मछली पकड़ते हैं? कितना मतलब एक दिन में मछली को पकड़ते हैं अंकल जी आप लोग? अभी जैसे लगाते हैं जालना। अच्छा सुबह में निकलेगा
1-1.5 किलो का 1-1 केजी। अच्छा, मतलब जाल को आप लोग दिन भर यहाँ पे रहने देते हैं, उसके बाद सुबह में 1-2 केजी मतलब मिलता है, रात भर छोड़ देते हैं। अच्छा, और यार इसका लोकेशन जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन आपको मिलेगा, तो वहाँ से जो है भेज करके आप जो यहाँ पे डायरेक्टली आ सकते हैं, या फिर आप मैप में भी सर्च करेंगे तो ये लोकेशन आपको देखने मिल जाएगा। भाई मतलब यहाँ पे इतना ज़्यादा पत्थर है कि यार मैं मतलब क्या ही बताऊँ, कुछ भी नहीं बता सकता भाई, तो मैं तो यार मतलब चल ही नहीं पा रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है, बिकॉज आपके सामने दिखाई दे रहा है भाई कि मुझे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर ये समतल पानी और वहाँ पर छोटा सा छोटी झरना का व्यू, बोले तो मिनी झरना। अच्छा, वो मिनी झरना क्या बात कर रहे हैं, जो हम लोग जो वहाँ से दिखाए थे कुछ देर पहले। झरना सर कहाँ तक जाती है होगी ये तो नहीं पता, लेकिन बहुत आगे तक जाती है। अच्छा, और जैसा कि ये शायद उस पार छत्तीसगढ़ का बॉर्डर हुआ। अच्छा ठीक है, मतलब ये बॉर्डर ही है छत्तीसगढ़ उधर। ठीक है, समझ गया। तो गाइस यार उस साइड में अगर हम लोग चले जाएंगे गलती से तो वो छत्तीसगढ़ में हम लोग पहुँच जाएंगे, लेकिन अभी हम लोग जो है गढ़वा में ही है यार, झारखंड। अपना झारखंड में है, अभी जो है फोटोग्राफी का टाइम है और फोटोग्राफी यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। द प्रो फोटोग्राफर फोटोग्राफी जो अलग अलग एंगल से यहाँ पे देख सकते हैं लिया जा रहा है। हाँ, इतना ज्यादा फोटोग्राफी किया जा रहा है कि भाई क्या ही मैं आपको इसके बारे में बताऊं। लेट्स डिस्टर्ब देम। तो गाइस यार अभी जो है फोटोग्राफी यहाँ पे होगा, चलिए जो है फोटोग्राफी करते हैं। अंकल जी बताइए कि कितना गहरा योगा है इस वाटरफॉल का? अभी पानी इसमें 10% है। अच्छा, और इसके बारे में बताइए कुछ हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या बताएंगे, इतिहास इसका कुछ इतिहास। इसको यहाँ पर ही गहराई 10% है ना? अच्छा, 10% को कितना कहते हैं लगभग? कितना गया, 7 फीट का 1% होता है। 7 फीट का 1% 70 फीट। अच्छा, तो यहाँ पर गहरा है और इसके आगे जो है पानी जमा हुआ है वहाँ पर चारों भर पाई। अच्छा, कोई चेक करने का कोशिश किया है गहराई? नहीं, कोई नहीं किया, गहराई नापा गया नहीं है। अच्छा, ये अनुमान के हिसाब से इतना गहराई। तो गाइस यार यही था, बस अनुमान के हिसाब से जो है यहाँ पे गहराई देखा जाता है। तो गाइस यार ये भाई साहब आके अभी यहाँ पे चेक कर रहे थे कि किसका कैमरा रखा हुआ है। भाई यार सुनिए 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 जी, कहाँ जा रहे हैं सुनिए। तो मतलब क्या आप चेक कर रहे थे मेरा कैमरा में जी, क्या आप चेक कर रहे थे बताइए बताइए। तो ये जो फिलहाल नहीं बताना चाहेंगे यार, आगे चलते हैं यहाँ से हम लोग। ओह माय गॉड, तो नीचे से अगर आप लोग ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आराम करने के लिए भी बनाया गया है, तो आप आराम कर सकते हैं। मैं आराम करके दिखाता हूँ, कुछ इस प्रकार से बैठना, ज़्यादा देर तक नहीं बैठना है, किसी और को भी आराम करने का मौका यहाँ पे देना है। चलते रहना है। कैसा महसूस हो रहा है जी? काफी थकान महसूस हो रहा है, पानी बोतल भी। तो गाइस यार काफी ज्यादा पानी 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 पानी। आप लोग कभी आएंगे तो खाने पीने के लिए व्यवस्था भी लेके आएंगे, बिकॉज हम लोग नहीं लाए थे तो काफी ज्यादा थक गया यार। उस साइड में छत्तीसगढ़, इस साइड में झारखंड। कैसा लगा सर जी यहाँ पे घूमने के बाद? काफी अच्छा व्यू है यहाँ पर, आप घूमने आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आने के लिए आप खाना पीना अपना लेकर आए, क्योंकि यहाँ भूख लग सकती है, प्यास तो एकदम लगेगी। तो गाइस यार फाइनली हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। अभी मैं जो है आ चुका हूँ पनघटवा डैम के पास। तो इसको जो है पनघटवा डैम जो है क्यों कहा जाता है, ये आपको मिस्टर रंजीत जी बताएंगे। बताइए सर इसको पनघटवा डैम क्यों कहा जाता है? पनघटवा डैम इसके बारे में तो नहीं पता नाम क्यों पड़ा है। अच्छा, यहाँ के लोकल ही बता पाएंगे, लेकिन इसका नाम पनघटवा डैम है ये मैं जानता हूँ। ठीक है भाई, ये काफी बड़ा ठीक है, काफी बड़ा है जैसा कि आप देख सकते हैं इस साइड में। तो भाई काफी ज्यादा दूर में ये जो है डैम फैला हुआ है, उस साइड में आपको जितना भी पहाड़ी आपको देखने मिल रहा है चारों ओर, तो वो सारा पहाड़ी से बरसात का जो पानी है वो सारा जो है इसी डैम में यहाँ पे आता है। काफी यार मतलब दूर में फैला हुआ है। अनराज डैम का भी एक मैं ब्लॉग बनाया हुआ था, वो भी मेरा चैनल पे है। तो अनराज डैम का यार दुगना ये वाला डैम आपको देखने मिल रहा है, तो काफी ज्यादा बड़ा है। वो टावर आपको दिखाई दे रहा है, वो टावर जो है काफी ज्यादा मतलब यार काफी ज्यादा बड़ा है, काफी ज्यादा जो है अंदर यहाँ पे अभी डूबा हुआ है। तो वाटरफॉल घूमने के बाद यार यहाँ पे हम लोग आ गए। तो बस यार यही था, बाकी अभी हम लोग जो है यहाँ से और आगे चलते हैं। भाई काफी ज्यादा अच्छा लगा यार आज, मतलब पूरा एंजॉय किए। मतलब यहाँ पे भी मैं नहीं आया हुआ था और वो जो वाटरफॉल आपको देखने मिल रहा था वहाँ, अभी मैं आपको दिखाया, वहाँ पे भी मैं कभी नहीं गया था और जाने का सोच रहा था। तो यार फाइनली जो है वो वक्त आया, तो यहाँ पे रील का मजा ले रहा है
एंड ये ब्रो भी जो है यहाँ पे अपना मोबाइल में क्या मजा ले रहा है, आई डोंट नो भाई, लेकिन मजा अच्छा मैप देख रहा है भाई ये। ओह माय गॉड, मैं जो है जा रहा हूँ बुलेट चलाने मिस्टर किंग सर का, तो देखते हैं यार पहला एक्सपीरियंस, मैं कभी बुलेट चलाया नहीं हूँ, मेरे को तो पता भी नहीं कितना गियर इसमें होता है। नीतीश ब्रो जो है ऑलरेडी चला लिया है, मेरा बारी है। तो गाइस यार इस बुलेट को मतलब क्या ही बताएं भाई, काफी ज्यादा हैवी इंजन हैवी मशीन है। हैवी मशीन अपाचे चला है ना? बस वही वही चला है। अच्छा ज्यादा नहीं चला है, दिखाएगा उसमें गियर पीछे का लगता है ज्यादा ना? नहीं देखो पहले और नीचे डालो फिर उठाते जाओ उठाते जाओ उठाते। एक्सेलेरेटर नहीं, एक्सेलेरेटर अपनेगा। ओह माय गॉड, लाइसेंस अपने हाथों में लेते हुए मैं यहाँ पे बैठता हूँ और चलता हूँ। काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है गाइस, काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ इस बुलेट के साथ, दिस इज माय फर्स्ट टाइम। हाउ मच गियर? 5। बेल वाटिकर में हम लोग आ चुके हैं गाइस, बेल वाटिकर, गति सीमा 30 है और हम लोग 40 पे जा रहे हैं, तो ये बहुत ही साफ कर रहे हैं। फाइनली अभी हम लोग जो है गढ़वा पहुंच चुके हैं भाई, इस साइड में आप लोग देख सकते हैं गढ़वा का समाहरणालय, इस साइड में आप लोग देख सकते हैं गढ़वा का हेलीपैड एंड बिरसा मुंडा पार्क जो आपको देखने मिल रहा है वो है। तो गाइस यार काफी ज्यादा मजा आया भाई घूमने के बाद वो वाला फॉल में। यस वाटरफॉल बोले तो सुखलदरी वाटरफॉल। ओह माय गॉड यार यहां पे आप लोग देख सकते हैं काफी जो है प्यारा सा गेट भी लग चुका है, 2 महीना पहले ये गेट मौजूद नहीं था लेकिन अभी ये मौजूद है। ओके गाइस, तो फाइनली हम लोग जो है अंदर आ चुके हैं, आई मीन होटल के अंदर आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं भाई फूला फूला यहाँ पे वो मिला है, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, छोला भटूरा, छोला भटूरा। ओके तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गाइस छोला भटूरा वो भी गर्मा गर्म आ चुका। सो लेट्स स्टार्ट गाइस, यार फाइनली बारी है इस रस मलाई रस माधुरी जो भी बोले एक ही है। इधर आप लोग देख सकते हैं मिस्टर किंग जो है ऑलरेडी स्टार्ट कर